हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एकेटिव यूनिवर्सिटी में बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए में एडमिशन लिया है। तो इस वीडियो में हम बीबीए के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। एकेटिव का फर्स्ट ईयर का बीबीए के सिलेबस को फुल डिटेल में आपको समझाएंगे। एंड ये लेटेस्ट सिलेबस है एज ऑफ नाउ 2024-25 से न्यू सिलेबस है ये, तो उसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में इसका मेन कैंपस है। इस वीडियो में हम देखने वाले होंगे इवेल्यूशन स्कीम, यानी कितने नंबर का आपका पेपर आएगा फाइनल, और आपका सिलेबस सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, कौन से कोर्स का? बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए, फर्स्ट ईयर का रहेगा ये, और बिल्कुल लेटेस्ट रहेगा सेशन 2024-25 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं। बेसिक चीजों में क्या है कि आपका जो बीबीए का फर्स्ट ईयर रहेगा वो 2 सेमेस्टर में रहेगा। इससे पहले आप 10th 12th में एग्जाम देते होंगे, तो उसमें क्या था कि आप पूरा पढ़ते हो 1 साल एंड लास्ट में एक बार प्री बोर्ड देते हो, फिर बोर्ड देते हो। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आप बीबीए जो पढ़ोगे वो 1 साल 2 सेमेस्टर प्रणाली में डिवाइडेड होगी, यानी सेमेस्टर वाइज। ठीक है, तो एक पहला सेमेस्टर रहेगा सेमेस्टर 1, दूसरा रहेगा सेमेस्टर 2। फॉर एग्जाम्पल, 1 साल में एक फर्स्ट ईयर हो रही है, तो जिसमें से 6 महीने आपका चलेगा सेमेस्टर 1, 6 महीने चलेगा सेमेस्टर 2। बट 6 महीने चलेगा उसमें क्या है कि जो वर्किंग डेज होंगे वो एक सेमेस्टर के रहेंगे 90, यानी एटलीस्ट 90 क्लास तो आपकी लगनी ही लगनी है सेमेस्टर 1 में, 90 ही लगनी है आपकी सेमेस्टर 2 में। ये बात समझ गए। अब पहले सेमेस्टर में आप पढ़ रहे होगे 7 सब्जेक्ट। अब 7 सब्जेक्ट समझ के घबराना नहीं है, सब्जेक्ट काफी इजी है बीबीए के। ठीक है, जिसमें से 7 में से आपके 6 सब्जेक्ट होंगे वो प्योर थ्योरी बेस्ड होंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें हम थ्योरिटिकल ही चीजें पढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट रहेगा आपका, वो रहेगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है, जैसे कि आईटी एप्लीकेशंस, मान लो फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड चलाना सिखाएंगे, पीपीटी बनाना सिखाएंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाएंगे। ठीक, अब इसमें और डिटेल में देख लेते हैं 7 सब्जेक्ट में रहेगा क्या सिस्टम, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले 7 सब्जेक्ट रहेंगे, उसमें से एक सब्जेक्ट का जो एक्सटर्नल रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा, यानी जो पेपर आएगा आपका 70 मार्क्स का आएगा, और जो कि होगा इन एक्सटर्नल। जैसे आप पहले बोर्ड पेपर देने जाते थे ना, दूसरे स्कूल में सेंटर पड़ता था आपका, सिमिलरली ये भी उसी वे में होगा, दूसरे कॉलेज में आपका सेंटर पड़ेगा। ठीक है, तो 70 नंबर हो गए आपके एक्सटर्नल, 30 नंबर होंगे आपके इंटरनल, यानी जो क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, यानी टीचर पे डिपेंड करते हैं, वो वाले नंबर आपके इंटरनल। तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपके एक सब्जेक्ट के 100 नंबर हो गए। ठीक है, 70 प्लस 30 100 हो गए, और 7 सब्जेक्ट के कितने हो गए आपके? 700, यानी टोटल मार्क्स आपके 700 रहने वाले हैं। एंड टोटल क्रेडिट्स आपके रहेंगे 21। अब आप कहोगे क्रेडिट्स क्या होता है, ये हमने पहली बार सुना है। क्रेडिट्स इन द सेंस एक सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस, तो एक सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट हैं, अगर आप उसमें पास होते हो तो आपको 3 क्रेडिट मिल जाएंगे, और फेल होते हो तो उस सब्जेक्ट में आपको 0 क्रेडिट मिलेंगे। अब क्रेडिट के रोल आता है जब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए, तो एटलीस्ट आपके 21 क्रेडिट पूरी साल में, यानी फर्स्ट सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर को मिलाकर के 21 क्रेडिट होने चाहिए, तभी आप दूसरे सेमेस्टर में प्रमोट हो पाओगे। यानी मोटा माटी बोलू तो 700 नंबर होने चाहिए 1400 में से। अभी आपको सेमेस्टर सेकंड का समझाऊंगा, तब और अच्छे समझ में आएगा। तो सेकंड सेमेस्टर में भी क्या है, 7 सब्जेक्ट हैं, 7 में से 70 नंबर का एक्सटर्नल है, 30 नंबर का इंटरनल है। इसमें क्या है, आपके 5 जो सब्जेक्ट हैं वो प्योर थ्योरी बेस्ड है, 2 सब्जेक्ट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये हो गए 700 और 700, तो 1400 हो गए, 1400 नंबर फोर। ठीक है, अब इसमें से आपको सेकंड ईयर में आने के लिए 700 नंबर लाने ही लाने, यानी 50% लाने हैं, 21 क्रेडिट लाने हैं। ठीक है, 21 क्रेडिट इसमें है, 21 क्रेडिट इसमें है। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस जो हमें देखना, लेटेस्ट सिलेबस देखना, 2024-25 का सिलेबस देखना है। तो अब आप इस सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना, सिंपली अपने फोन में, लैपटॉप में, जो भी आपके पास है उसमें सीधे गूगल खोलो।
कोई भी ब्राउजर, गूगल क्रोम, एज, उस खोल करके सीधे आपको टाइप करना AKTUSYLLABUS, यानी AKTU सिलेबस। इसको आप सर्च करो, पहला ही जो लिंक आएगा http.aktu.ac.in, इस पे क्लिक करना, AKTU सिलेबस पे। नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे देख सकते हो AKTU का ऑफिशियल सिलेबस का सेक्शन खुल गया। यहाँ पे सिलेबस 2024-25 वाला जो लेटेस्ट है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करके फिर नीचे स्क्रॉल करो, पहले आपको बीटेक का सिलेबस मिलेगा जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे, दूसरा जो प्रॉम्प्ट मिलेगा वो मिलेगा BBA फर्स्ट ईयर का सिलेबस, जो कि हमारा सिलेबस है। अब इसके लिए हमें क्या करना, सीधे इसको बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, इस पे क्लिक कर दो। यहाँ पे हमारा सिलेबस खुल गया, आप देख सकते हो। ये PDF है, इसको आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, और आपके फोन में खोलोगे तो ये सीधे डाउनलोड होकर ही खुलेगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बेसिक जो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद प्रीम्बल है। प्रीम्बल इन द सेंस, आपको अपनी BBA 3 साल में पूरी करनी है। एक सेमेस्टर 90 दिन का रहेगा, और जुलाई से दिसंबर एक सेमेस्टर रहेगा, जनवरी से जून दूसरा रहेगा, 90 दिन का रहेगा, ठीक। फिर इंडक्शन प्रोग्राम है, प्रोग्राम एजुकेशन, मतलब आप क्या सिखाएंगे बीबीए, बीबीए में क्या सिखाते हैं, सिंपली आप अपने अंदर एंटरप्रेन्योर पैशन कैसे डेवलप कर सकते हो, आप अपने अंदर लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, रिसर्च कैसे कर सकते हो, बिजनेस को हेल्प कैसे कर सकते हो ग्रो करने में, इनोवेट करने में, इवन जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं, HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एनालिटिक्स है, इनमें आप अपना योगदान कैसे दे सकते हो, और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी यानी अपनी जॉब कैसे कर सकते हो, और अपने करियर में ग्रोथ कैसे ला सकते हो, ठीक है। ये इसके कुछ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं। अब हम बात करते हैं सीधे फर्स्ट ईयर की, ठीक है। ये आप देख लो, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब मूव करते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो देखो यहाँ पे जो है BBA फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में आपके ये है सीरियल नंबर यानी सब्जेक्ट नंबर, ये आपका सब्जेक्ट का कोड है, और ये आपका सब्जेक्ट का टाइप है। CC माने कोर सब्जेक्ट, यानी CC यहाँ पे देख सकते हो, कोर कोर्सेस हैं ये, ठीक है। तो ये जो आपके 3 कोर्स हैं, ये कोर हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये कोर वाले हैं, ये मतलब आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और ये इसमें 3 क्रेडिट्स हैं, टोटल क्रेडिट्स यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें से 3 क्रेडिट्स आपके मतलब 3 लेक्चर्ड, मतलब 3 जो रहेंगे वो लेक्चर्ड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद थ्योरी का पार्ट 0 है, प्रैक्टिकल का भी पार्ट 0 है, तो मतलब बेसिकली LTP कुछ टेक्नोलॉजी होती है, वो आपको इसमें अंदर नहीं जाना। मेन हमें ये देखना है इंटरनल, इंटरनल हमारे कितने टोटल 30, 30 में से 20 नंबर है CT, CT इन द सेंस क्लास टेस्ट, और 10 नंबर है TA, TA इन द सेंस टीचर असेसमेंट। तो ये कुल मिला के इंटरनल नंबर है, आपको टीचर से बना के रखनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं क्लास टेस्ट में, उससे आपको ये 30 नंबर मिलेंगे। 70 नंबर आपके एक्सटर्नल हैं, प्रैक्टिकल आपका होगा नहीं, तो टोटल 100 नंबर हो गए, क्रेडिट्स 3 हो गए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। सिमिलरली इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी यही है, ठीक है। अब ये 2 सब्जेक्ट है, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस इंग्लिश, ये है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज AEC, आप देख सकते हैं यहाँ पे AEC है, ये मतलब बेसिकली इंग्लिश है, ये एक IT एप्लीकेशन है। इसमें आपके क्या होंगे, इसमें भी सेम है जैसे इसमें सेम था, 100 नंबर का सेम सेम है, बट IT एप्लीकेशन में आपका 2 जो होंगे वो लेक्चर्स के लिए होगा पार्ट डिवाइडेड, और 2 इसमें प्रैक्टिकल भी होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल PPT बनानी है, तो पहले PPT बनाना सिखा दिया, फिर PPT का प्रैक्टिकल करवा दिया, ठीक है। तो इन सब के हो गए 3 3 3 क्रेडिट, टोटल क्रेडिट हो गया आपके 21। लास्ट सब्जेक्ट है आपका वैल्यू एडेड कोर्स एनवायरमेंटल साइंस, और ये MD, MD इन द सेंस मल्टी डिसिप्लिनरी इलेक्टिव कोर्स, ठीक है। तो ये कितने हुए, 100 नंबर ईच, तो 700 नंबर हो गए, 21 क्रेडिट हो गए। सिमिलरली आपका ये सेकेंड सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर में 3 आपके कोर कोर्सेस हैं, कोर जो मतलब BBA के फंडामेंटल्स, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 2 हैं एबिलिटी
एनहेंसमेंट कोर्सेज, ये इंग्लिश है, ये थोड़े स्टेटिक्स है, एक है मल्टीप्लेरी डिसिप्लिनरी, ठीक, ये आईटी एप्लीकेशन सेकंड्स है, और एक है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मतलब इसमें आपको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाएंगे, वैल्यूएटेड कोर्स है। इसमें आपके दो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, बाकी सारे पांचों थ्योरी हैं। सिंपल 30 नंबर इंटरनल, 20 क्लास टेस्ट, 10 टीचर असेसमेंट, 70 एक्सटर्नल, 100 नंबर प्रति सब्जेक्ट, 700 नंबर, 3 क्रेडिट प्रति सब्जेक्ट, 21 क्रेडिट, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए एटलीस्ट आपको 21 क्रेडिट एंड 700 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। बाकी अब जो सिलेबस है उसको हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो देखो, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सिलेबस है, ये बिजनेस मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस इंग्लिश, आईटी एप्लीकेशन, मतलब ये सारे आप हैं। आप चाहो तो एक बार इसको डाउनलोड करके अच्छे से वॉक थ्रू कर लो। डाउनलोड करना मैंने आपको सिखा दिया है। ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाएंगे, वैल्यू एडेड है, ठीक। तो ये सारी चीजें इजिली आप कवर कर सकते हो। बाकी इनके सारे वन शॉट्स भी हमारे चैनल पर जल्दी आएंगे होपफुली। एंड वन मोर थिंग, आपको एकेटी यूनिवर्सिटी रिलेटेड जितने भी सर्कुलर्स हैं यानी नोटिफिकेशंस हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सारी हमारे यहाँ पे चैनल पे मिलेंगी। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एंड वन मोर थिंग, हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है हाईटेक वर्ल्ड नोट्स के नाम से, जहाँ पे हम यूनिवर्सिटी रिलेटेड अपडेट देते हैं। दूसरा हमारा व्हाट्सएप पे भी चैनल है, ठीक है। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप डाउनलोड इनको एक्सेस कर सकते हैं। एंड बाकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। स्टिल कोई डाउट हो एकेटी बीबीए को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।